धीरज धरो वीर, शांति करो। हाँ शांति करूं, देखते नहीं कल तक ये पहाड़ तोड़ने वाला ललवा आज पत्थर के बेजान टुकड़े की तरह खामोश पड़ा है। अरे क्या हुआ? सब चुप क्यों खड़े हो? काम क्यों बंद कर दिया? उनसे की ललवा मर गया। हाँ? ललवा मर गया। अरे तो ये नई बात कौन सी हुई? सुरंग का काम है मरना जीना तो लगा ही रहता है। उठाओ उसे और बाकी लोग काम शुरू करो। वीर, शांति करो वीर। धीरज चाचा, आंखें खोलो। कब तक हम इस तरह बेआस और बेसहारा मरते रहेंगे? मालिक का कुत्ता मरे तो उनकी आंखें आंसू बहाती हैं, और हम मरे तो हमारी लाश ठुकराई जाती है, हमें कड़वा सुनने पर मजबूर किया जाता है। हमारे बाद हमारे बेसहारा बच्चे रोटी के एक एक टुकड़े के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, मर जाते हैं लेकिन उन्हें रोटी नहीं मिलती। इस पर भी तुम शांति के लिए कहते हो? चाचा मैं तो कहता हूं इस सुनहरे संसार को सुरंग लगा दो। अब हम अपनी मजबूरी पर चुप होकर नहीं बैठेंगे, अभी बड़े सरकार से जाकर पूछेंगे और उन्हें जवाब देना होगा। तुम ठीक कहते हो वीर। चलो भाइयों, हम अभी बड़े सरकार के पास जाएंगे। कुछ भी हो, हमारे मालिक का नाम दयाराम है। उनके दिल में ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही, पर दया होगी जरूर। रानी बिटिया, क्या फिर छींके आनी शुरू हो गई? ओहो बेटी, अभी तक जुकाम वैसे का वैसा ही है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? खिड़कियां बंद करो, हवा तेज चल रही है। ओ नहीं नहीं, बेटा अशोक, तू बैठा बैठा किताब ही पढ़ता रहेगा या अपनी बहन को दवा भी देगा? डॉक्टरी पास करके आया है, दवा करने के लिए या किताबें पढ़ने के लिए? उठ कुछ दवा दे उसे। अरे हाँ याद आया, कहाँ है वो दवा की शीशी? अभी तुम ही तो कल लाए थे शहर से। जी मैंने ही रखी है और मैं ही पूछ रहा हूँ। नहीं बेटी, अभी लाया, अभी लाया। बड़े सरकार। कौन? धीरज, आओ आओ बैठो बैठो। लेकिन भाई मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। बेटी रानी को कल से जुकाम है, ना सारी रात सोई है और ना उसने मुझे सोने दिया। बड़े सरकार, वो अपना ललुआ। हाँ हाँ बिठाओ ललुआ को। नहीं नहीं आज नहीं, उसे कल आने को कहो। देखते नहीं मेरी बेटी बीमार है। सरकार ललुआ मर गए। मर गया? अच्छा उसे ठहरने को कहो, मैं अभी आता हूँ। बड़े सरकार। अरे क्या तुम लोगों ने काम नहीं शुरू किया? शुरू भी किया था और बंद भी कर दिया। बात यह है सरकार कि ललुआ मर गया और आपका काम करते करते ये देखिए, ये है उस अभागे की लाश। आज से 6 महीने पहले इसकी औरत भी इसी मरज में मरी थी। मुंशी जी। सरकार। इन्हें 5 रुपए दे दो ललुआ को जलाने के लिए। बड़े सरकार। काम होशियारी से किया करो, लापरवाही से नहीं। हर रोज मरते रहे तो मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? हर जाना बाद में मिलेगा, ये लो 5 रुपए लाश को जलाने के लिए। हम ललवा को जलाने के लिए लकड़ी मांगने नहीं आए हैं, इंसाफ मांगने आए हैं। हमारे मरने के बाद हमारी बेबसी पर तू आंसू बहाने के बजाय कहे कहे क्यों लगाए जाते हैं?
क्या हम इंसान नहीं? धीर, चाचा, हम ललवा के बच्चों के लिए रोटी मांगने आए हैं, उन बच्चों के लिए जो कल बड़े होकर आप ही के लिए चांदी और सोना इकट्ठा करेंगे। बड़े सरकार, इन बच्चों के आंसू आपको पोंछने होंगे। आज आप इन्हें रोटी देंगे तो कल ये बड़े होकर आपके लिए अपनी जान दे देंगे। धीरज, कौन है ये बदतमीज जिसे बात करने भी नहीं आती? तुम अपने मालिक की गुस्ताखी कर रहे हो। हमने अपना हक मांगा है, आए थे दया की भीख मांगने, लेकिन अब आप जैसे लोगों से सौदा ही करना पड़ेगा। हमें रोटी दो, हम अपनी जान दे देंगे। शट अप, निकल जाओ यहाँ से। शायद आप ये नहीं जानती कि हम लोग इरादे के पक्के होते हैं। देखते ही देखते आसमान से बातें करती हुई पहाड़ियों को जमीन के बराबर कर देते हैं। शाबाश वीर, शाबाश, हम तुमसे बहुत खुश हुए। हम तो अपने मजदूरों का जोश देख रहे थे। जाओ और वक्त से पहले इन पहाड़ियों को जमीन के बराबर कर दो। आज से तुम्हारे बच्चों का जिम्मेदार मैं हूं। भाइयों, बोलो बोलो सरकार जय, राम जी की जय। ललवा के बच्चों को ले आओ, उन्हें मैं पालूंगा। बोलो बड़े सरकार की जय। बाबू, मुझे रोकने आया था ना? मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन लोग मुझे पगली कहते हैं। वो देख, ललवा जा रहा है। इसी रास्ते से एक दिन मैं भी जाऊंगी, तू भी जाएगा, सारी दुनिया जाएगी, और आखिर में सबका अंजाम यही होगा बाबू। सोने वाले जाग जरा, क्यों समय सुहाना खोता है। कोई मुसाफिर डेरा डाले, कोई रुखसत होता है। मुसाफिर खाना है जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। बारी बारी एक दिन सबको छोड़ के ये घर जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है।
को तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। बारी बारी छोटे सरकार, ये हर हाल में गाते हैं। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा इनकी आदत है। आंसू इनकी आंखों में सूख चुके हैं। इनके रोने के तरीके आपकी दुनिया से अलग हैं। जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। शीश महल बनवाया है, और शीश महल बनवाया है। ये न सोचे एक दिन तुझको मिट्टी में मिल जाना है। दीवाना है, दीवाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है। जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। से लुट जाएगा तेरा ये गुलजार, लुट जाएगा तेरा ये गुलजार। यही हमेशा रहना है तुझको, तूने अगर ये जाना है। दीवाना है, दीवाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है। जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। गाफिल होश में आ जा रे, रास्ते को तू मंजिल समझे, मंजिल से बेगाना है। दीवाना है, दीवाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है। जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। क्या बात है, हंसती क्यों है? हंसी तो मैं जब भी थी, जब तुम लोगों ने बड़े सरकार की जय पुकारी थी।
याद आया? हाँ, क्या तुम ये समझती हो कि बड़े सरकार ने हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारा दिल खुश किया है? हाँ, अब वो दिन याद कर जब मेरा बाबा मरा था, मेरा भाई मरा था, तब उसने क्या कहा था भगवान की बेटी को अपनी बेटी रानी की तरह पालूंगा, याद आया? हाँ। हम लोगों ने उस समय भी बड़े सरकार की जय पुकारी थी, याद आया? हाँ। अब मेरी माँ ने तो ललवा के बच्चों को धोखा न दे, उनसे साफ साफ कह दे कि उनका बाप मर गया। लेकिन फिकर न कर, गरीब के बच्चे रोने की तो उन्हें आदत है, रोएंगे और रोते रोते आप ही चुप हो जाएंगे। कौन हो तुम? बच्चे। किसके बच्चे? लल्लुआ के। यहाँ क्या कर रहे हो? चुप बैठे थे, भूख लगी। तो चुरा के रोटी खाना चाहते थे? हाँ, लेकिन काटते हैं। ये देखो ललवा के बच्चों के कपड़े, वो अभागे मालिक की लापरवाही से रात के अंधेरे में भटकते हुए पहाड़ी से गिरकर मर गए। ये देखो, इसे पहचानो, ये है एक मजबूर का अंजाम, जिसके खून की कीमत मालिक की निगाहों में पानी से ज्यादा नहीं है। ललवा के बच्चों के मरने के जिम्मेवार बड़े सरकार हैं, बच्चों को हम उनके सुपुर्द करके आए थे। बड़े सरकार ने हमें धोखा दिया है, हमें बेवकूफ बनाया है। बोलो धीरज चाचा, क्या यही है धीरज और शांति का मीठा फल? चाचा, मैं इन बच्चों की सौगंध खाता हूं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मस्त बहार है, प्यार ही प्यार है, कोयल के संग गाता जाए जिया रे जिया, ऐसे में कोई दिल ये बेकरार है, हाँ मौसम मजेदार है, आए कोई आए सावन की बहार है, मस्त बहार है, प्यार ही प्यार है। बेकरार है, हाँ मौसम मजेदार है, आए कोई आए सावन की बहार है, मस्त बहार है, प्यार ही प्यार है। पिहा गए रुत बीते जाए, बीते चली जाए, रातें नजारों वाली, दिन है बहारों वाली, ओ जिया मेरा ललचाए, रातें
करार है, हाँ मौसम मजेदार है, आए कोई आए सावन की बहार है, मस्त बहार है, प्यार ही प्यार है। बचाओ मालिक की बेटी को, घोड़ा बिगड़ गया है, काबू से बाहर हो गया है, उनकी जान खतरे में है। चाचा बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने, मरती है तो मरने दो। ये क्या कह रहे हो तुम, गरीबों को ये शोभा नहीं देते। बचाओ, बचाओ। आज तो भगवान ने हमें बदला लेने का मौका दिया है चाचा, बार बार ये सुनहरे मौके हाथ नहीं आते। वीर पागल न बनो, सोचो अगर तुमने बदला ले लिया तो उनमें और तुम्हें फर्क ही क्या रह जाएगा। वीर हम गरीबों की लाज पर इन काले खून के छींटों से बदनुमा ठप्पेने लगाओ, वीर तुम्हें हम गरीबों की लाज की सौगंध। धीरज चाचा बचा लो वीर, बचा लो रानी जी को। देखो देखो उनका घोड़ा सुरंगों की तरफ जा रहा है, उसे रोक लो वीर, रोको उसे। शाबाश, हम तुमसे बहुत खुश हुए। मैंने कहा शाबाश, हम तुमसे बहुत खुश हुए। बदतमीज। गुस्ताख। क्या बात है बेटी, कौन है नीच? कोई गरीब होगा बेचारा। पिताजी उसने मेरी बेइज्जती की। किसने? उस बदतमीज वीर ने। वही हुआ ना जो मैंने कहा था। ये माना कि मेरी जान खतरे में थी, घोड़ा काफी भड़क चुका था, माना कि अगर वो ना आता तो शायद तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ता। माना कि उसने तुम पर एहसान किया, फिर भी तुम उसे मानने को तैयार थे, क्योंकि उसने नीचता की है। बेशक ये उसका फर्ज था, नौकर है हमारे, हम उसे रोटी देते हैं। पहाड़ तोड़ने के बदले में जान की बाजी लगाकर जान बचाने के लिए नहीं। पिताजी मैंने कहा शाबाश और वो जवाब दिए बगैर नफरत की निगाहों से देखता हुआ चला गया। ये कोई नई बात नहीं, वो लोग होते ही हैं नीच। सच तो यह है कि आज उसने बहुत नीचता की है, मर जाने दिया होता। अशोक तो आपकी पसंद की चीजें हैं। कुछ सोच रहे हो या ये समझू कि भूख नहीं है? जो मैं सोच रहा हूं काश वो आप भी सोच सकते। और भूख वो तो इन लजीज खानों को देखकर खत्म हो जाती है। पिताजी भैया भूखों का सोग मनाते रहते हैं, आजकल पेट भर के अच्छी चीजें नहीं खाते। अच्छी चीजें नहीं खाते,
तो दाल भाजी मंगवा लिया करो, बाजार में बिकनी बंद नहीं हुई है। ईश्वर न करे बंद हो, हजारों गरीबों की जिंदगी का दारो मदार है इस पर। बहुत दुख होता है तुम्हें देखकर, दयाराम का बेटा दयाराम बनने के काबिल नहीं। अशोक, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, भूख आश्रम खोलने के लिए नहीं, डॉक्टरी करने के लिए। जानते हो, जिस अस्पताल की इमारत बनाने के लिए मैंने पत्थरों का ठेका लिया है, उसके मालिक सेठ करोड़ी मल से यह बात पहले ही तय कर चुका हूं कि मेरा बेटा इस अस्पताल का चीफ डॉक्टर बनेगा। बेटा, दुनिया में आए हो तो पैसे बनाओ, पैसे। पिताजी, मैं उस अस्पताल में डॉक्टर बनने को तैयार नहीं, जिसे ऊंचा करने के लिए ललुआ और उसके बच्चों को दीवार में पत्थरों के साथ पत्थर समझ के चुन दिया गया हो। अशोक! जी पिताजी, मैं तो किसी झोपड़े में अपना अस्पताल बनाऊंगा, उन बीमारों के लिए जो बीमार पड़ते हैं लेकिन अच्छा होना नहीं जानते। मैं उन्हें जिंदगी तो ना दे सकूंगा, लेकिन उन्हें जानवरों की मौत ना मरने दूंगा। मालूम होता है कि बड़े सरकार के घर मेहमान आ रहे हैं। हाँ हाँ, मेहमान आ रहे हैं। क्या आज भी बड़े सरकार का जन्मदिन है? है, है। तुझे बड़े सरकार की क्या फिक्र पड़ी है? छोटे मुंह से बड़ी बात कर रही है, जानती नहीं बड़े लोग हैं, शिकार खेलने आ रहे हैं। समझ गई, मालिक ने कहला भेजा होगा कि यहाँ जानवर बहुत हैं। मुंशी, कह दे मालिक से कि यहाँ जानवर भी भूखे रहते हैं। धीरज, रोक इस पगली को, ये हर घड़ी अफीम के नशे में बोलती है। मुंशी जी, ये अफीम का नशा नहीं, भूख का नशा है। धीरज जी, दो चार आदमी भेज दो जी, मालिक लोगों का सामान उतारना है। अच्छा। अबे जमना, ओ कलुआ, आओ आओ। अब ये बताइए, खाने का क्या इंतजाम होगा? शिकार पर खाएंगे या? करोड़ीमल जी, क्या राय है? भाई, आज थका बहुत हूँ, शाम को जल्द ही वापस आ जाएंगे। हाँ, यही खाएंगे। मुंशी जी, जी सरकार, वापसी पर खाना तैयार होना चाहिए। मुंशी जी, तैयार ही नहीं बल्कि टेबल पर लगा होना चाहिए। बाप रे बाप, दयाराम जी, ये भूख एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं होती। समझ में नहीं आता कि आखिर ये पेड़ देवता कौन सी भेंट चाहते हैं। सेठ जी, बस यूं समझ लीजिए कि पहाड़ी का वो हिस्सा जिस पर आप वो मंदिर देख रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देगा। लेकिन उस मंदिर का क्या होगा? आप फिक्र न कीजिए,
वो लोग सुरंग लगाने से पहले मूर्ति उठा लेंगे और जब ये जमीन बराबर हो जाएगी तो मूर्ति को ठीक उसी की सीध में जमीन पर मंदिर बनाकर रख देंगे। यही उनकी रीत। देखो दयाराम, दोस्ती समझो या मुरव्वत, तुमने वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, लेकिन मैंने माफ करते हुए 2 महीने का वक्त बढ़ा दिया। याद रखो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वक्त पर पूरा न हुआ तो मैं नुकसान का दावा कर दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है, भरोसा रखिए अब ऐसा न होगा। इसे मत खाओ। क्यों क्यों ना खाएं? जरूर खाएंगे, देखते क्या हो। खाओ, खाते क्यों नहीं? नहीं, इसका खाना पाप है, खाओगे तो पेट में पहुंचकर जहर बन जाएगा। जहर बन जाएगा? तू झूठा है। नहीं नहीं, कैसे? तू कहता है कि ये जहर है और हम समझते हैं ये अमृत है। हम जानते हैं कि इसे खाने से हमारी जिंदगी बढ़ जाती है। खाओ, तुम्हारे बाप दादा खाते आए हैं, फिर खाते क्यों नहीं? इसका बहकाने में ना, ये उनमें से है जो खुद खाते हैं लेकिन दूसरों को खाते नहीं देख सकते। खाओ, तुम भी खाओ और मैं भी खाती हूँ। नहीं, मेरे देखते हुए तुम में से इसे कोई नहीं खा सकता। तुम लोगों ने हमारे मांगने पर हमें क्या दिया है? कहता क्यों नहीं कि भीख दी है? हाँ दी है, लेकिन हमारे बाप दादा पर एहसान करते हुए, रोटी के वो बचे हुए टुकड़े जिसे तेरे घर के कुत्ते भी ना खाएं। छोड़ दे मेरा हाथ, खा दे मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा। नहीं खाने देगा? नहीं। पगली देवी, यह हमें नहीं खाने देगा, इसकी आंखें फटती हैं, यह हमें भीख देगा क्योंकि भीख से हमारा पेट नहीं भरता। नहीं। फिर क्या तू हमें खाना देगा? अपना खाना अपने साथ अपने बर्तन में खिलाएगा? कलेजा फट जाएगा तेरा, तेरी दुनिया चीख उठेगी, लोग तुझे पागल कहेंगे। अपने बर्तन में अपना खाना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपना खाना दूंगा, अपने बर्तन में दूंगा। आओ, डरो नहीं, ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूं। आओ आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ, डरो नहीं। आइए छोटे सरकार। अरे तुम लोग यहां कैसे? मुंशी चलो तो निकल जाओ यहां पर। मुंशी जी आओ। खाओ खाओ, खाते क्यों नहीं? ये खाना भी मेरा है, ये बर्तन भी मेरे हैं, ये भीख नहीं है, देखते क्या हो, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं बढ़ते? आओ आओ। वही आगे ना बढ़ना, आगे बढ़ोगे तो कुत्ते की तरह छटकार दिए जाओगे। मुंशी जी निकल जाओ। मुंशी जी आओ, खाओ, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊंगा। तुम जन्म जन्म के भूखे हो और मैंने भी तुम सबके गम में एक मुद्दत से पेट भर के नहीं खाया है। खाओ पगली देवी, खाओ। कल तक हम भीख देकर तुम पर एहसान करते थे, आज तुम खाकर मुझ पर एहसान करो। लो लो,
पगली देवी, खाओ। पागल तो नहीं हो गया? ये खाना, ये जगह, ये बर्तन इन गंदे लोगों के लिए है? पिताजी, ये भूखे हैं, भूखी माँ के पेट से भूख लेकर पैदा हुए हैं। इनका रंग और रूप भी आप ही जैसा है। कहने को तो ये इंसान है, लेकिन हमने इनकी आदतें जानवरों की सी बना दी हैं। हट जा, मैं अभी इन्हें धक्के देकर निकालता हूँ। भगवान के लिए पिताजी, ऐसा न कीजिए। अंदर खुशी की एक ऐसी तस्वीर है जो भूख और प्यास के लाल और काले रंग से मिलकर बनी है। पिताजी वो खिलखिलाकर हंस रही है। यूं समझिए, जब से इंसान पैदा हुआ है आज पहली बार हंसा है। अशोक, दूर हट। देखना है तो झांक कर देखिए। अगर आप इस तरह सामने गए तो खुशी की ये जीती जागती तस्वीर हमेशा के लिए मिट जाएगी। दयाराम, ये क्या बदतमीजी है? मालूम होता है कि खाना लुट जाने का गम आपकी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। नहीं देख सकते तो दिल पर पत्थर रखते हुए आंखें बंद कर लीजिए। भैया, आप मेहमानों की बेइज्जती कर रहे हैं। देखते क्या हो, अंदर जाओ, उन कमीनों को धक्के देकर निकालो। चलो। खबरदार जो कोई इनकी तरह बढ़ा। दयाराम, क्या तुमने जलील करने के लिए हमें यहां बुलाया था? आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्या मैं झूठा हूं? क्या ये भूखे नहीं? क्या तुमने हजारों बार इन्हें अपना जूठा खाने पर मजबूर नहीं किया? अब आज तुम्हारी बारी है तो झिझकते क्यों हो? तुम्हारा जूठा खाकर तो ये हैवान बन चुके हैं। आज अगर तुमने इनका जूठा खा लिया तो यकीन रखो, इंसान बन जाओगे। बदतमीज, जलील, हट जा, हट जा, हट जा। Thank you.
आप लीजिए लीजिए लीजिए। वाह दयाराम जी, क्या खूब तस्वीर लगा रखी है आपने। घर छोड़ने से पहले मैंने सोचा कि इस तस्वीर को यहां लटका दूं, ताकि जब भी आप इसके सामने अच्छी अच्छी चीजें खाएं तो कहीं आपको नजर न लग जाए। इस डर से आप रोटी के दो टुकड़े उठाकर इनकी तरफ फेंक देंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनकी जिंदगी बन जाएगी। मालूम होता है तुम्हारी किस्मत तुम्हें ठोकरे खिलाने के लिए बदनसीबी की तरफ ले जा रही है। दयाराम की दुनिया छोड़कर उस गंदी नगरी में जा रहे हो। जी, मैं उस दुनिया में जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? जाने दो रानी, जब ये बीमार कुत्ते की तरह धिक्कार के वहां से निकाला जाएगा तब इसकी आंखें खुलेंगी। याद रखो अशोक, एक ना एक दिन तुम जरूर यहां वापस आओगे, लेकिन उस वक्त इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद होंगे। अशोक के दिल में गैरत भी है। अशोक एक हारे हुए जुआरी की तरह लौटकर घर नहीं आएगा, जान दे देगा। भैया, आज से तुम्हारा भाई मर चुका है। चल ऐ दिले मजबूर, चल ऐ दिले मजबूर, इस जुल्म की दुनिया से बहुत दूर। चल ऐ दिले मजबूर, तरसते न हो इंसान जहां पर, जीने को तरसते न हो इंसान जहां पर, आंसू भरी आंखें होना फरियाद जुबां पर, आंसू आंखें होना फरियाद जुबां पर। चल ऐसी जगह चल जहां कोई न हो रंजूर, चल ऐ दिले मजबूर, कोई भी जहां जुल्म न ढाए, रोने की जहां पर कोई आवाज न आए, रोने की जहां पर कोई आवाज न आए। चल ऐसी जगह चल जहां दिल गम से ना हो चूर, चल ऐ दिले मजबूर, रोती हुई रातें न जहां शाम अलम हो, रोती हुई रातें न जहां शाम अलम हो, पीने को ये आंसू न जहां खाने को गम हो, पीने
को ये आंसू न जहां खाने को गम हो। चल ऐसी जगह चल जहां कोई न हो मजबूर। चल ऐ दिले मजबूर इस जुल्म की दुनिया से बहुत दूर। चल ऐ दिले मजबूर। कौन छोटी सरकार इतनी रात गए? मैं तुम्हारी बस्ती में बसने आया हूं। आप यहां रह सकेंगे? क्यों? लाड़ और प्यार में पले हैं आप, न तो यहां की सर्दी सहन कर सकेंगे और न गर्मी। अरे वीर भूलियो मत, ये बड़े सरकार दयाराम के बेटे हैं। मुझे अपना समझो वीर, मैं तुम्हें अपना समझते हुए अपना बनाने के लिए अपनों को छोड़कर आया हूं। इसमें भी कोई चाल होगी वीर? छोटे सरकार, आप लोगों से दूर रहकर तो हमारी ये हालत है, अगर साथ रहे तो क्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि आप हमदर्दी का जाल फैलाकर हमें मिटाने आए हैं। नहीं नहीं छोटे सरकार, ऐसे नहीं, वो हमारे दुख दर्द बटाने आए हैं, फिर भी हम उन्हें अपने पास नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए कि मालिक का हुक्म है, अगर हम लोगों ने छोटे सरकार को बस्ती में जगह दी तो वो हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे। तुम ठीक कहते हो काका, बड़े सरकार हमें भूखो मार देंगे। तू भी ठीक कहता है, आ इधर आ। आ पगली देवी, हम बाल बच्चों वाले हैं, क्या हम मालिक को दुश्मन बनाकर एक दिन भी खुशी से जी सकेंगे? नहीं, तू भी सच कहता है, आ तू भी इधर आ। आओ तुम सब इधर आओ, आओ। देखो ये देखो, तुम्हारे बड़े सरकार ने मारा है इसलिए कि इस बाबू ने हम भूखों को इज्जत से खाना खिलाया था। आज तुम उसे बस्ती से निकाल रहे हो जिसका खून तुम्हारे नाम पर तुम्हारी वजह से बहाया गया। चल बाबू, ये जगह तेरे रहने के काबिल नहीं, ये नीच है। रूप तो इनका इंसान का है लेकिन ये जानवरों से बदतर हैं। ये गरीबों के नाम पर धप्पा है। हमसे गलती हुई, हमें इस बात की खबर न थी। अब हम में से हर घर के दरवाजे अशोक बाबू के लिए खुले हैं। चाचा, अगर ये हमारे नाम पर अपना खून बहा सकते हैं तो हम भी बखत आने पर अशोक बाबू पर अपनी गर्दनें कटा देंगे। अंदर आ। ये देख बाबू, यही मेरी झोपड़ी है। बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा अब तो आराम से बैठ, मैं भी आती हूँ। बाबू बाबू सुना तूने, वो कहते हैं कि अब वो तुझे नहीं जाने देंगे, तू बस्ती में रहेगा। अच्छा बाबू, वो मौत से नहीं डरते,
डरते हैं तो सिर्फ रोटी से। इसी डर ने उन्हें कायर बना दिया है। बुरा न मानना। नहीं, ये तो तूने झोपड़े का रंग ही बदल दिया। अब तो ये बहुत सुंदर हो गई। सुंदर हो गई ना, जिस जगह रहते हैं उसे इसी तरह साफ और सुथरा रखते हैं, इससे बीमारी कभी नहीं फैलती। अच्छा हाँ, ले बाबू कुछ खा ले, मैं तेरे लिए रोटी बना के लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद आएगी। मैं सपने में यही रोटी देखता रहा। तो फिर खूब जी भर के खा। जी भर के। नहीं, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं? कैसी बातें करता है बाबू, कल से तो भूख ही भूख है, थक जाएगा। आज खा ले, मेहमान कम से कम पहली रात भूखा न सोए। गा रही हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? जब से होश संभाला आज पहली बार मेहमान को अपने घर खाते देख रही। खाई नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि ये रोटी रूखी भी है और फीकी भी है, इसे खाने के लिए कुछ खटास होनी चाहिए, कुछ मिठास होनी चाहिए। बाबू वो मिठास तो हमारी दुनिया में नहीं। ऐसा कर कि मैं मीठे सुरों में गाऊं और आज तू भी हमारी तरह उसी का सहारा ले, सारी रोटी खा जा। गुजरी थी रात आधी, खामोश था जमाना, गुजरी थी रात आधी, खामोश था जमाना, जलते हुए दिलों का सुन ले जरा फसाना। गुजरी थी रात आधी, उठी जो आह धुआं बन के आशियानों से, तारे झांक के बोले ये आसमानों से, धुआं ये कैसा है देखो, लगी है आग कहीं, चलो खटों से कह दे के जल रही है जमीन। गुजरी थी रात आधी, खामोश था जमाना, जलते हुए दिलों का सुन ले जरा फसाना। गुजरी थी रात आधी, ये शोर चांद भी तारों का सुन रहा था कहीं, लगा इशारों से कहने नहीं ये बात नहीं, जमीन पर जो बेचारे गरीब बसते हैं, गमों की आग
जलते हुए दिलों का सुन ले जरा फसाना गुजरी थी रात आधी सितारे बोले समंदर में क्या रवानी नहीं बुझा दे आग को क्या बादलों में पानी नहीं कहा ये चांद ने जब दिल में आग लगती है तो बादलों से नहीं आंसुओं से बुझती है गुजरी थी रात आधी खामोश था जमाना खामोश था जमाना मुंशी जी जी सरकार धीरज को बुलाओ जी धीरज ओ धीरज आ मुंशी जी क्या बात है मुंशी जी बड़े सरकार बुलाते हैं सब लोग यहां आओ वीर संभल के चल आज मालिक बहुत गर्म मालूम होते हैं मैंने अशोक को बस्ती में जगह देने के लिए मना किया था बोलते क्यों नहीं धीरज जवाब दो तुम लोगों ने मेरे हुक्म के खिलाफ उसे जगह क्यों दी इसलिए कि छोटे सरकार को हर चीज से ज्यादा हमारा ख्याल है बदतमीज गर्दन झुकाकर अदब से बात कर हम तेरे मालिक हैं हमारे हुक्म के आगे सर झुकाना तुम लोगों का फर्ज है हम आज तक अपना फर्ज पूरा करते रहे लेकिन कभी आपके दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि कुछ फर्ज आपका भी है जिसे आपने कभी पूरा नहीं किया चुप रहो जबान खींच लूंगा हम लोग आपकी तरफ से आने वाली किसी मुसीबत से नहीं डरते छोटे सरकार हमारे साथ रहेंगे उस वक्त तक रहेंगे जब तक हम में से हमारा एक बच्चा भी जिंदा रहेगा मैं तुम्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगा आज तक तुम लोगों ने सरकार दयाराम की दया देखी है गुस्सा नहीं देखा बड़े सरकार को दया से क्या काम इन्हें तो सिर्फ काम चाहिए हम काम करेंगे आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि काम के बाद हम क्या करते हैं कौन हमारे साथ रहता है कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन तो फिर जाओ काम करो हाँ हाँ हम काम करेंगे चलो भाइयों काम करो मैं अब एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करने दूंगा मैं हर मिनट की मजदूरी देता हूं सुना तुमने बड़े सरकार हर मिनट की मजदूरी देते हैं खबरदार जो किसी ने जरा भी आराम किया काम करो इतना काम करो कि तुम्हारे बदन का सारा खून पसीना बन के बह जाए आओ
नहीं करता? नहीं, भीख मांगता है। भीख मांगता है? ए लंगर। क्या है? इस पत्थर पर मारो, इस पत्थर पर मारो। ए, सुनता नहीं, उठ, मार इस पत्थर पर। उठ, मार। देखी तुमने अपने बाजुओं की कुव्वत? फिर भी तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? नहीं। क्यों बाबू, जिसने की शरम उसके फूटे करम। मुझे तो बिना काम के ही रोटी मिल जाती है। डूब मर, तेरी इस नीच जिंदगी से मौत कहीं ज्यादा अच्छी है। जिन हाथों में पहाड़ तोड़ने की कुव्वत है, उन्हीं हाथों से तू रोटी का एक एक टुकड़ा भीख मांगकर जमा करता है। तुम्हें गालियां मिलती, तुम झिड़के जाते हो। बाद में रोटी भी मिल जाती है बाबू। पिताजी, कुछ समझ में नहीं आता। कल तक हम उन्हें काम देकर उन पर एहसान करते थे, लेकिन आज वो हमारा काम हम पर एहसान करने के लिए करते हैं। ये सब तुम्हारे भाई की मेहरबानियां हैं। नीची नींद सो रहे थे और अशोक ने उन्हें छिंचोड़ दिया। लेकिन अब क्या होगा? वो लोग तो आपसे बहुत नाराज हैं। कुछ नहीं, अब भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे हाथ में है। अगर उनका दिल जीतना है तो दया धर्म का ढोंग रचाओ और उनके बच्चों की तरफ भीख समझकर कुछ पैसे फेंक दो। ए, बस्ती की तरफ चलो। आओ बच्चों, यहाँ आओ। इधर आओ, हम तुम्हें पैसे देंगे मिठाई के लिए। मत लो ये पैसे। कह दो हम भीख नहीं लेंगे। कह दो हम भीख नहीं लेंगे। हम बड़े होंगे, हम बड़े होंगे। मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। काम करेंगे, काम करेंगे। और फिर पैसे लेंगे, और फिर पैसे लेंगे। फेंक दो ये पैसे, फेंक दो ये पैसे, फेंक दो। चलो। शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश। इसी तरह अब तुम कभी भीख नहीं लोगे। भीख का मांगना और भीख का लेना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, समझे? चलो चलो चलो। ये क्या करतूत? किसकी? तेरी। मेरी? हाँ, तूने ही तो कहा था जिस जगह रहते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखते हैं। देख 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 देख, तुम लोगों ने सफाई की बहुत अच्छा किया।
अच्छा जाओ, अब नहाने जाओ। नहाने? क्यों, हंसती क्यों हो? अभी तो नहाए थे, पिछले महीने में। पिछले महीने नहीं, रोज नहाना होगा। जगह की तरह बदन की सफाई भी जरूरी है। जाओ नहाने जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। बाबू अब तू भी जा नहाने, सूरत भूत किसी बन गई है। हरी 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 हरी। जरा देखने तो दे। देखने दे, मालूम नहीं औरतें नहा रही हैं। हाँ हाँ वही तो देख रहा हूँ। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। अरे तुम सब बाहर आओ। आती है। छोड़ पगली, छोड़। अरे छोड़। जाता कहाँ है मुंशी, औरतें देख, जी भर के देख। ये भी तेरी माए हैं, तेरी बहने हैं। बस बस बकवास मत कर, तेरी आंखें फोड़ती हूँ। अरे रे रे, तुम लोग इतने बड़े हो गए और नंगे फिरते हो? क्या तुम लोगों के पास लंगोटी नहीं? कमबख्त शैतान करेगी। मुंशी जी। कौन? अशोक बाबू। बड़े अच्छे मौके पर आए, जरा इधर आइए। क्या बात है? मुंशी जी जरा ये अंगोछा तो दीजिए। अंगोछा क्यों? जादू से एक के चार बना दूंगा। अब अशोक बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तो सिर्फ दो बने हैं, देखते जाइए चार कैसे बनते हैं। अशोक बाबू, अशोक बाबू, मेरे पास तो। मुंशी जी ये नंगे हैं और आपके पास बहुत कपड़े हैं, इन्हें सिर्फ लंगोटी चाहिए। ये लो बच्चों, एक दो तीन चार। मुंशी जी ये तो कम पड़े। मुंशी जी कहाँ है वो मुंशी का बच्चा? सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। तुम्हें लंगोटी मिली? हाँ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चार। दो का दो, दो का दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार।
दो तीन छः, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दो पंजे दस, दो छक बारह, दो छक बारह, दो सते चौदह, दो सते चौदह, दो अठे सोलह, दो अठे सोलह, दो नवा अठारह, दो नवा अठारह, दो दहम बीस, दो दहम बीस। शाबाश बच्चों, शाबाश। इसी तरह अगर तुम जी लगाकर पढ़ते रहे तो आदमी बन जाओगे, फिर तुम्हें धोखा देकर कोई तुमसे फायदा नहीं उठा सकेगा। अशोक, बंद कर ये अपने उल्टे सीधे सबक। क्या तूने इसी दिन के लिए जन्म लिया था? जी पिताजी, मैं इसी दिन के लिए पैदा हुआ था। कुछ तो शर्म कर बेहया, अपने बाप से गद्दारी कर रहा है। कल ये बच्चे पढ़ लिख गए तो इनके बदले में मुझे और तुझे पत्थर तोड़ने होंगे। आप भूल रहे हैं पिताजी, आज इनके पास सिर्फ ताकत है, कल अक्ल भी होगी। जितना पहाड़ आज ये ताकत के सहारे तोड़ते हैं, कल अक्ल आएगी तो उससे कहीं ज्यादा पत्थर तोड़ेंगे। घबराइए नहीं पिताजी, चांदी हर हाल में आप ही की है। पानी अब मेरे सर से ऊंचा हो रहा है। तबाही के बीज जो तूने इनके हक में बोए हैं अब फूट निकले हैं। कान खोल कर सुन ले, अब भी अगर तू बाज ना आया तो मैं इन सबके लिए काल बन जाऊंगा। पिताजी, जुल्म की भयानक तस्वीरें दिखाकर आप मुझे डराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस जरा सी रोशनी को, जिसके सहारे ये आगे बढ़ रहे हैं, घोर अंधेरे में बदल दूं। ये हमेशा की तरह कदम कदम पर ठोकरे खाते रहें और आप हमेशा की तरह कहे लगा लगा कर हंसते रहें। अशोक, जाइए और अपनी बिरादरी को तिजोरियों में बंद करके दोहरे ताले लगा दीजिए, क्योंकि वो दौलत आपकी है, आप उसके मालिक हैं। और ये तालीम की दौलत पिताजी, ये आपकी जागीर नहीं, मैं इसे झोलियां भर भर कर बांटूंगा। मैं इस दौलत से इन मजबूरों को मालामाल कर दूंगा। कमबख्त, मैं इनसे इनकी रोजी छीन लूंगा, तभी ने तेरी सूरत से नफरत हो जाएगी, तेरे नाम पर थूकेंगे। हमें जिल्लत की रोटी नहीं चाहिए। जा, अभी जाके बंद कर दे ये काम। भगवान बनकर हमसे हमारी रोटी छीन ले। जा। कितनी चोट लगी है, मैं फूंकती हूँ, आराम। आराम मालूम होता है वो अपने नसीब में नहीं। नसीब तो कल तक बुरे थे, आज बदल चुके हैं। बाबू, तू जो हमारे साथ है। जवाब नहीं दिया, क्या सोचता है? सोचता हूँ जिससे टकरा रहा हूँ वो एक बेजान पहाड़ है, न जाने अंजाम क्या होगा। यही इनका अंजाम है, खत्म कर दिया ना इनका हिसाब। जी हाँ। अब कह दो कि आज से हमेशा के लिए हमने काम बंद कर दिया है। ऐसा न कीजिए सरकार, ऐसा न कीजिए। आपने काम बंद कर दिया तो ये बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? चुप रहो मुंशी जी, तुम चाहते हो कि मैं इन्हें रोटियां दूं और ये उसके बदले में मुझे जलील करें। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। कुछ भी हो सरकार, इन पर नहीं तो इनके छोटे छोटे बच्चों पर रहम कीजिए। अरे पत्थर की तरह चुप क्यों खड़े हो? मालिक के पैरों में सर रख दो, ये धर्मी राजा हैं, जरूर माफ कर देंगे। अरे हाँ कहो सरकार, ये आप पर जान देने वाले आपके वफादार आदमी हैं, आपका हुक्म मानने को तैयार हैं। कहते हैं कि अभी जाकर अशोक बाबू को बस्ती से रुसवा करके निकाल देंगे। देखिए सरकार, वो आपसे गिड़गिड़ा कर दया की भीख मांग रहे हैं। कौन है? लंगर। लंगर? हाँ सरकार, कुछ मिले तो मैं मिलेगा मिलेगा, चल मेरे साथ। Thank you.
बहुत बुरा हुआ। पिताजी की इस चाल ने मेरे पैर उखाड़ दिए। भाइयों, तुम लोग काम शुरू करो, मैं बस्ती छोड़कर चला जाऊंगा। अशोक बाबू, अभी तो बेकारी के 10 दिन गुजरे हैं, हम 10 साल गुजारने को तैयार हैं। एक साथ सारी बस्ती बेकार हो गई। वीर, ये मर्ज हैजे की तरह सारी बस्ती को उजाड़ के रख देगा। इस बस्ती में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। चाचा, न तो हम भूख से डरते हैं और न मरने से। बेटा, हमारी फिक्र क्यों करते हो? हम जिंदा ही कब हैं? बाबू, तू अगर हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? इस अशोक को बस्ती से निकालो। जब से वो बस्ती में आया है, हम सब मुसीबत में पड़ गए हैं। वो अशोक है ना, वो झूठ बोलता है कि उसे हमसे प्यार है। तू बता दे, जो अपने बाप का ना हुआ, क्या वो हमारा होगा? हाँ, तू ठीक कहता है लंगड़। तो फिर अशोक को बस्ती से निकालो। हाँ हाँ, अशोक को बस्ती से निकालना ही चाहिए। लंगर ठीक कहता है। पिताजी ये देखिए, सेठ करोड़ी मिल जी ने फिर खत भेजा है। लिखते हैं कि अगर ठीक समय पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा न हुआ तो वो हमारे ऊपर 1,00,000 रुपए के नुकसान का दावा करेंगे। तो इसमें फिक्र की क्या बात है? पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सुरंगे तो लग चुकी है। अगर हमने काम ना बंद किया होता तो दूसरे दिन हम वो हिस्सा उड़ा देते जी। बस उतना पत्थर हमारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए काफी होता। पिताजी वो बात तो अगर की है, अब ये बताइए सुरंगे कौन उड़ाएगा, मैं या आप? न मैं न तुम, वही लोग। लेकिन काम बंद किए हुए 1 महीना हो गया, मुझे तो उम्मीद नहीं कि अब वो लोग फिर से काम पर आएंगे। तभी तो कहता हूँ तुम बच्चा हो अभी। लो मुंशी जी, अब बिजनेस की बातें तुम ही समझाओ रानी बिटिया को। रानी जी, बड़े सरकार ठीक कहते हैं। मतलब? मतलब ये है कि काम थोड़ा है और समय हमारे पास ज्यादा है, हम अपनी जबान पर और कई दिन अड़े रह सकते हैं। फर्ज कीजिए वो फिर भी ना आए। जो गैर मुमकिन है। आप ठीक कहते हैं, वो जरूर आएंगे। मैं कहती हूँ फर्ज कीजिए वो फिर भी ना आए तो? तो हम उन्हें बुला लाएंगे और अपना काम निकाल कर फिर उन्हें निकाल देंगे। समझी? हम बिजनेसमैन हैं, हमारी जुबान का कोई भरोसा नहीं। ये बात है। कौन? लंगर? क्या खबर लाया? सरकार, अब वो दिन में 2 बार नहीं, 2 दिन में 1 बार खाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं सरकार, जो अनाज से नहीं घास पत्तों से पेट भरते हैं। और अशोक? छोटे सरकार अब छोटे सरकार नहीं रहे, लोग नफरत करने लगे हैं। ये ले 5 रुपए। अशोक, अशोक, अशोक तेरे लिए देवता होगा, अपने लिए तो जान का जंजाल बन गया है। किसी तरह हम 2 वक्त नहीं तो 1 वक्त घास भूसे से पेट भर ही लेते थे। मालूम है, मुझे मालूम है। अभी छुपे, देखता नहीं अशोक बाबू आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तू देख उसकी सूरत, ढोंगिया और झूठा। अगर इसे हमारा ख्याल होता तो आज ये हमारे लिए अपने घर से रुपये लाता। दयाराम की तिजोरी हमारे पेट की तरह खाली नहीं।
माँ भूख लगी है, भूख लगी है माँ। सो जा मेरे बच्चे। नहीं नहीं नहीं, भूख लगी है। ऐसा ना बोल बेटा, अशोक बाबू सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। दोनों हाथों से पेट दबा ले और सो जा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कल को की हद से बाहर आंसू निकल बाबू। पगली, ये क्या मजाक है? सारी बस्ती में आग लगी है, लोग पेट पर पत्थर बांधे फिर रहे हैं और तुम्हें गाना सूझ रहा है। हाँ, इसी के सहारे तो ये कड़वे घूंट हम शहद समझकर पी जाते हैं। अरे बाबू, मैं तो तुझसे भी यही कहूंगी, चल के ना हमके प्याले पिए जा पिए जा, इन आंसुओं को पिए जा पिए जा। चल के ना हमके प्याले पिए जा पिए जा, इन आंसुओं को पिए जा पिए जा। खुशियों दुख में भी मुस्कुरा हो, दुख में भी मुस्कुरा। खुशियों में मुस्कुराया तो दुख में भी मुस्कुरा हो, दुख में भी मुस्कुरा। कांटों से खेलता हुआ गुलशन से गुजर जा हो, गुलशन से गुजर जा। कांटों से खेलता हुआ गुलशन से गुजर जा हो, गुलशन से गुजर जा। मतवाले ओ मतवाले जिए जा जिए जा, इन आंसुओं को पिए जा पिए जा। चल के ना हमके प्याले पिए जा पिए जा, इन आंसुओं को पिए जा पिए जा। छाला कोई दिल का फूट के, कोई दिल का फूट के। बहने लगे न छाला कोई दिल का फूट के, कोई दिल का फूट के। तारे ना गिर पड़े कहीं दामन पे टूट के हो, दामन पे टूट के। तारे ना गिर पड़े कहीं दामन पे टूट के हो, दामन पे टूट के। बाहों से दिल के छाले सिए जा, इन आंसुओं को पिए जा चल के ना हमके प्याले पिए जा, इन आंसुओं को पिए जा। बोल बाबू, अब जी कैसा है? तुम ठीक कहती हो पगली, हमें इन आंसुओं को पीना होगा। एक नई हिम्मत के साथ इस तूफान का मुकाबला करना होगा। भरोसा करो, अब ये पैर पीछे नहीं हटेंगे। कहाँ है अशोक बाबू, कहाँ है अशोक बाबू? ये लो, ये भूखा है, अब इससे भूख सहे नहीं जाती। इसका गला घोड़ दो, इसे जान से मार डालो। मैं माँ हूँ, मैं इससे तड़पते देख नहीं सकती। अशोक बाबू, भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, हमें जी ले दो। कौन कहता है ये मर गया? देखते नहीं ये सो रहा है। अशोक बाबू, अशोक बाबू, सुना तुमने? कुंती का बेटा मर गया। कुंती पागल हो गई, वो मरे हुए बच्चे को नहीं छोड़ती, देवी के मंदिर की तरफ भागी हुई गई है। सुना तुमने, कुंती का बच्चा मर गया भूख से, बिना दूध के। भूखी माँ का दूध सूख गया। तीन दिन का बच्चा अगर पानी के सारे कब तक जिंदा रहता? हाँ,
हमें अशोक बाबू से ज्यादा रोटी की जरूरत है। चुप रहो। नहीं, इन्हें कहने दो। सुना नहीं तुमने, कुंती का बच्चा मर गया। कल एक एक बच्चा मर जाएगा, तुम सब मर जाओगे, बस्ती उजड़ जाएगी। इन्हें रोटी चाहिए, ये भूखे आए। भूख, भूख, भूख। देखो तुम्हारे छोटे सरकार घर जा रहे हैं। क्यों ना जाए, वो भी तो भूखे हैं। पगली देवी, वो दयाराम का बेटा है। जानी जाते, बैठिए बैठिए भैया। कहाँ जाती हो? मैं अभी आती हूँ भैया। सुनो तो, अभी आती हूँ। ये लीजिए भैया, पहले कुछ खा लीजिए। मैं जानती हूं आप होंगे। खाइए ना, आपको बहन की सौगात। भैया आप तो रो रहे हैं। बहन, मैं अपनी आंखों में सारी बस्ती के आंसू छुपा के लाया हूं। मुझे बस्ती के आंसुओं से कोई हमदर्दी नहीं। दिखा सकते हैं तो सिर्फ अपने आंसू दिखाइए। ऐसा कहो रानी, जरा जाओ और बस्ती की हालत अपनी आंखों से देखो। रानी, अगर इंसान तड़प तड़प के दम तोड़ गया तो याद रखो, इंसानियत इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। फिर क्या फर्क होगा मुझ में, तुम में और एक जानवर में। भैया, आज सारी बस्ती भूखी है। लोग बिना पानी की मछली की तरह तड़प तड़प के भूख से जान दे रहे हैं। बस्ती का एक एक बच्चा भूखा है। कुंती पागल हो गई, उसका तीन दिन का बच्चा मर गया। आखिर पानी के सहारे कब तक जिंदा रहता। आज मैं उन्हीं भूखों के लिए कुछ मदद मांगने आया हूं। उन पर नहीं तो मुझ पर एहसान करो। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मैं दामन फैलाकर भीख मांगता हूं, बहन नहीं बल्कि मां समझते हुए। मां, हम भूखे हैं, हमें खाना दो, हमें रोटी दो। मां, ये लीजिए रुपए, जल्दी जाइए। आज मालूम हो गया कि बहन सिर्फ बहन ही नहीं बल्कि मां भी होती है। तुमने ये एहसान सिर्फ मुझ पर नहीं
बल्कि दुनिया के तमाम मजबूर इंसानों पर किया है। देर न कीजिए, कहीं पिताजी आ गए तो गजब हो जाएगा। मेरा दिल उन सब की तरफ से तुम्हें दुआएं दे रहा है। भगवान तुम्हें खुश रखे। क्यों आए हो? जानते नहीं इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। पिताजी, मैं छावनी छाने नहीं आया हूं। बहन को बेवकूफ बनाकर रुपए लेने आए हो? रख दो इसे। इस पर इन गरीबों का भी हक है। देखते क्या हो, रुपए छीन लो और इस कमीने को धक्के देकर बाहर निकाल दो। चलो। पिताजी, रहम कीजिए पिताजी, वो भूख से तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। जिम्मेदार तुम हो। आज तुम्हारी वजह से वो दाने दाने का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि आज उनके मालिक तुम हो। अशोक, गैरतदार हो तो डूब मरो, जान दे दो। रहम कीजिए, भगवान के लिए रहम कीजिए। दयाराम से दया नहीं मिलेगी। ये लो, मिट सके तो मिटा लो इससे भूख, बुझ सके तो बुझा लो इससे प्यास। निकल जाओ यहां से। ये अपने बाप के घर भूख मिटाने गए थे और खाकर आ रहे हैं। हाँ, खाकर आ रहे हैं। हाँ हाँ, खा के आए हैं। भरोसा न हो तो हाथ सूंघ के देख लो। मैं तुम लोगों के लिए रुपए लेने गया था, लेकिन ये कागज के टुकड़े लेकर आया हूं। अब इससे हम आधी रोटी भी नहीं ले सकते। अशोक बाबू, जहां तुमने हम लोगों पर इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और करो। चले जाओ बस्ती से, भगवान के लिए चले जाओ। चुप रहो, सच कहता हूं, फिर जो किसी ने कहा तो एक एक को जान से मार दूंगा। अशोक बाबू नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये बाबू जाएगा और अभी जाएगा। अग्नि देवी। हाँ वीर, हमें रोटी के लिए ये कुर्बानी देनी होगी। बाबू, हम अभागे हैं, हमारी नसीब में तेरे जैसे देवता की सेवा नहीं। पगली देवी, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है। भाइयों, मेरी जात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अशोक बाबू, ऐसा ना कहो। कौन? पगली देवी।
क्या बात है बाबू? हाँ हाँ कहो ना बाबू, क्या तू बुरा मान गया? नहीं तो जब काल पड़ता है तो लोग एक एक मुट्ठी अनाज के लिए अपने बच्चों को भी बेच डालते हैं। समझता, यही वजह है कि मुझे तुम लोगों से शिकायत नहीं। साथ छूटने का दुख जरूर है। अब तू जाएगा कहाँ? ये तो किस्मत के हाथ में है, जिधर चाहे ले जाए। पगली, दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन इस बड़ी दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं। ना सही, छोटी सी जिंदगी है, भटक भटक कर खत्म हो जाएगी। ऐसा मत कह बाबू, भटके वो जिसका कोई न हो। आ मेरे साथ आ। कहाँ? बड़ी तो नहीं, एक छोटी सी दुनिया है, जहाँ रहना चाहे तो। सिर्फ मैं ही रह सकता हूँ, है ना? हाँ। सच? बिल्कुल सच। आ और अगर मैं ना आऊं तो फिर मैं यही समझूंगी कि तुम मुझसे रूठ के जा रहा। बस ये ना समझ, जहां कहो मैं चलने को तैयार। तो फिर आ। बाबू यही है वो जगह। क्यों, कैसी है? बहुत अच्छी, महलों से भी ज्यादा अच्छी। और ये जगह बस्ती से ज्यादा दूर भी नहीं, मैं सुबह शाम यहाँ रोटियां पका के लाऊंगी। सरकार। क्या बात है, क्यों आए हो तुम लोग? सरकार हमें काम चाहिए। अब हम तुम लोगों से काम लेना नहीं चाहते, निकल जाओ यहाँ से। हम भूखे हैं, भगवान के लिए हमें रोटी दो। नहीं मिलेगी। बड़े सरकार, अशोक बाबू हमारी बस्ती में नहीं, हम उन्हें निकाल चुके हैं। हम पर नहीं तो हमारे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो, वो मर रहे हैं, भगवान के लिए उन्हें जिला लो। क्यों धीरज, क्या ये सच है कि तुम लोगों ने अशोक को बस्ती से निकाल दिया? शाबाश, जाओ काम शुरू करो और वक्त से पहले उस पहाड़ी को जमीन के बराबर कर दो। बोलो बड़े सरकार की। लेकिन याद रखो, तुम्हारी वजह से हमें तकलीफ भी पहुंची है और नुकसान भी। तकलीफ हम उठा चुके, अब नुकसान तुम्हें सहना होगा। बेटी ठीक कहती है, ये नुकसान तुम्हें पूरा करना होगा। कह दीजिए मुंशी जी, आधी तनख्वाह मिलेगी। रानी जी, इनका ही क्या हो सकता है? बोलते क्यों नहीं? कह दो मालिक से कि तुम्हें आधी तनख्वाह मंजूर है। अरे तुमसे तो मुफ्त काम लेना था। लेकिन नहीं, हमारी सरकार जालिम नहीं, दयालु है, इनका एहसान मानो। तुमने बहुत नुकसान किया, फिर भी वो तुम्हें आधी तनख्वाह दे रहे हैं, समझे? बोलो दयालु सरकार दयाराम की। सुना तुम लोगों ने, मालिक जालिम नहीं दयालु है, अब वो आधी तनख्वाह देगा, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत आराम किया है। दो बखत की रोटी नहीं,
एक बखत की रोटी मिलेगी। काम करना है तो करो। हाँ हाँ, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ भूखो मरो। हम तुम्हें बुलाकर नहीं लाए हैं, तुम खुद चलकर हमारे पैरों में आए हो। हमें मेहनत के बदले दोनों बखत की रोटी मिलनी चाहिए। जाने दो पगली देवी, हम इसे रोके पीके पर गुजार कर लेंगे। बेटी, मालिक के मुंह न लगो, नहीं तो एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। डरपोक! भूख ने तुम सबको कायर बना दिया है। भगवान पर से तुम्हारा भरोसा उठ चुका है। आज तुम भूखे हो, मजबूर हो, तो ये तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठा रहा है। तुमने रोटी मांगी तो कहने लगा अशोक को निकालो। तुमने अशोक बाबू को रुसवा करके निकाला और फिर रोटी मांगी तो कहता है आधा पेट खाओ। कल यही तुम्हें कंकर और पत्थर खाने पर मजबूर करेगा। लानत है इस रोटी पर, लानत है हम पर, और लानत है इस जिंदगी पर। बोलो, अब भी बोलो, क्या चाहते हो, जिल्लत की रोटी या इज्जत की मौत? इज्जत की मौत। नहीं चाहिए तुम्हारी आधी रोटी। तो फिर निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, हम बस्ती छोड़ देंगे, किसी ऐसे की दुनिया में जा बसेंगे जिसके सीने में तेरा नहीं इंसान का दिल होगा। और कान खोलकर सुन ले, आज से ये पत्थर तुझे तोड़ने होंगे। बोलो पगली देवी की जय। देखा मुंशी जी, इस पगली ने हमारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये लोग इसे देवी समझते हैं, देवी पवित्र। देवी पवित्र? मुंशी जी, ये देवी हमारे मुंह पे तमाचा लगा गई, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सरकार, मैं लंगर कुछ बोलूं? क्या बकता है? देवी पवित्र कुछ मिलेगा? जो मांगेगा मिलेगा। रानी बिटिया का काम ठीक निकला, अब सुरंगे मुझे उड़ानी होंगी या आपको? तुम्हारा मतलब? पगली के भड़काने से वो सब बस्ती छोड़कर जा रहे हैं। पगली, पगली, ये पगली हमेशा सब काम बिगाड़ देती है। अब क्या होगा? होगा क्या, आप ही ने तो कहा था हम बिजनेसमैन हैं, हमारी जबान का कोई भरोसा नहीं। हाँ 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 हाँ, ठीक तो है। मुंशी जी जाओ, इस वक्त उनकी सब शर्तें बांध दो और एक एक महीने की तनख्वाह भी पेश की दे दो। सोचो, बड़े सरकार तुम्हारे बिना कैसे रह सकते हैं? हाँ, अरे वो तो हमेशा की तरह तुम्हारा आज भी जोश देख रहे थे। ये देखो, बड़े सरकार ने रुपये भेजे हैं, वो पूरी तनख्वाह देंगे। और लो, एक एक महीने की पेशगी लो। सुनो भाइयों, बड़े सरकार का हुक्म है, कल तुम देवी की पूजा करके मूर्ति उतार लो और उस बड़े हिस्से को पहले ही उड़ा दो। आओ, ये रुपये लो। बड़ी सुरंग उड़ाने से पहले बड़े सरकार को हमारी हर बात माननी होगी। हाँ हाँ, सरकार कहते हैं कि उन्हें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अशोक बाबू हमारे साथ हमारी बस्ती में रहेंगे।
अरे हाँ हाँ भाई, रहेंगे रहेंगे। बोलो पगली देवी की। चाचा सुना तूने, दयाराम ने हमारी शर्तें मान ली। बाबू अब यही रहेगा, हम जीत गए चाचा, हम जीत गए। देख रहा हूँ तुम खुशी से नहाई हुई हो। अब तू बस्ती में हमारे साथ रहेगा। सच? हाँ, और दयाराम ने काम भी शुरू कर दिया है। क्यों, क्या सोचता है? नहीं तो, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। मैं नहीं मानती, दिल दिखा, खुश होगा तो वो भी मेरी तरह धड़कता होगा। यकीन करो, ऐसी बातों का यकीन नहीं करते, मैं तो खुद देखूंगी। क्यों? हाँ बाबू, धड़क तो रहा है लेकिन उतना नहीं जितना मेरा। अच्छा अब मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। आज नहीं, कल आऊंगा। वादा? जबान थी। जरा जल्दी आना, कल हम देवी की पूजा करके मूर्ति उतार रहे हैं, सुरंगें भी कल ही उड़ाई जाएंगी। Thank you.
दिखाई नहीं पड़ती। तुम उसकी फिक्र न करो अशोक बाबू, बात तो फिक्र की है वीर। कहता जो हूँ वो मन की मौजी है, कहीं इधर उधर बहक गई होगी। पिताजी, आप सैर के लिए नहीं चलेंगे? नहीं बेटी, आज तुम अकेली ही जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा पिताजी। क्या देखता है, मुझे यहाँ क्यों लाया है? ये बताने के लिए कि तूने हमेशा मेरे काम बिगाड़े हैं। आज तेरी ही वजह से मेरा हजारों रुपए का नुकसान हुआ है और अशोक भी तेरी गंदी बस्ती में जा बसा है। मैंने जो कुछ किया अपने भले के लिए किया और आगे भी वही करूंगी जिसमें हम लोगों की भलाई होगी। खबरदार जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैं कहती हूँ हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। तेरा ये मिजाज, मेरे बदन को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं बचेगा। नेक देवी, आज तुम्हारी पगली देवी देवी न रही, उसकी इज्जत किसी के हवस का शिकार हो गई, उसे लौट लिया गया। हमारी पगली देवी की इज्जत लूट ली गई। कौन है वो? देवी की सौगंध हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरकार सरकार, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान बचानी है तो भागिए। पगली ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो इधर आते ही होंगे। फिर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो मोटर निकालो, बुलाओ रानी को। सरकार, वो जानते हैं कि आप मोटर से भागेंगे। फिर क्या किया जाए, बोलो कुछ तो बोलो। इस वक्त तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चलती? इस वक्त कहाँ है वो लोग? पहाड़ी पर। पहाड़ी पर? और सुरंगे बारूद भर के तैयार है। आज वो सुरंगे मैं उड़ा दूंगा, पहाड़ी के साथ पूरी आबादी को उड़ा दूंगा। इस वक्त वो सब पहाड़ी पर है और सुरंगे मेरे हाथ में है। सरकार सरकार सरकार, हुजूर। जवाब दो पगली, कौन है वो नीस की औलाद? दयाराम। अरे सरकार, पिताजी मत उठाओ ये मूर्ति, अब ये उस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक हम अपनी पगली देवी की लूटी हुई इज्जत का बदला ना ले लेंगे। हमारी इज्जत लूटी गई है भाइयों, खाओ देवी की सौगंध। हाँ, हाँ, देवी की सौगंध।
हम उसकी भूमि नहीं छोड़ेंगे। ठहरो, वो देखो कोई सुरंग लगा रहा है। पिताजी, अशोक बाबू कहां जा रहे हो? जान का खतरा है। हम सब की जान खतरे में है। अगर ये बत्तियां ना काटी गई तो हम सब सुरंगों के साथ उड़ जाएंगे। मत जाओ, अशोक बाबू, मत जाओ, मत जाओ। बाबा, बाबू, छोड़ दो मुझे। देखते नहीं बाबू की जान खतरे में है। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं सुरंगों की बत्ती काटने जा रहा हूं ताकि आगे के सुरंगें ना उड़ सके। तुम लोगों की जिंदगी के सामने मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। पानी आना जल्दी। पगली देवी, पगली देवी, बाप ने हमारी पगली देवी की इज्जत लूटी। पिताजी ने पगली की इज्जत लूटी? हाँ, उसने उसे बर्बाद किया। क्या कहते हो, कहाँ है पिताजी? मर गया। मर गए? हम सब की जान लेने के लिए उसने सुरंगें उड़ा दी, लेकिन वो खुद उसमें मर गया। बैठी रहो, खबरदार जो उठी। मुझे जाने दो, मुझे डर लगता है। भगवान के लिए मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम यहां से नहीं जा सकती।
सारी रात गुजर गई, अब तुम आराम करो, सब लोग शांत हो चुके हैं, जाओ। क्या वीर सारी रात जागता रहा? हाँ, बस्ती वाले पागल हो गए थे, बदले की आग उनके सीने में भड़क रही थी, तुम्हारी जान के साथ साथ तुम्हारी इज्जत का भी डर था। मैं तो तुम ये समझी होगी कि पगली देवी का बदला वीर तुमसे लेगा। हाँ। नहीं, तुम्हारी इज्जत पर आंच ना आने पाए इसीलिए वीर सारी रात पहरा देता रहा। आज ये कहना ही पड़ेगा कि तुम लोग इंसानियत की जिंदा तस्वीर हो। चाचा, चाचा, अशोक बाबू होश में आ गए। भैया, सर, कहाँ है वो? भैया, अब दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। आज अमीरी गरीबी से गले मिल रही है। तुम ठीक कहते हो चाचा, रानी अब हमें कभी दुखी नहीं होने देगी। हम सब रानी के राज में मिलकर ऐश से दिन गुजारेंगे, क्यों रानी? हाँ भैया, ये सब कुछ आप ही का है। हम सब का है, आओ हम सब मिलकर अपनी बदनसीबी को, गरीबी को और भूख को सुरंग लगा दें, बदल दें ये दुनिया और एक ऐसी नगरी बसाएं जहां हर घर में खुशी औलाद बनकर पैदा हो, फूले फले और परवान चढ़े।